पता चला मजार गुस्ताखों के नहीं बनते, मजार आशिकों के बनते हैं। मजार बेअदबों के नहीं बनते, मजार अदब वालों के बनते हैं। और सबसे पहले मजार बनाया किसने, यही समझाना चाहता हूं। कुछ लोगों को मजारों से चिढ़े, देखे जी जरूरत नहीं होती है, ऊपर छत डाल देना, ये कर देना, वो कर देना। अच्छा आ यार साहबा से पूछते, साहबा किराम क्या मजार बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे। बुखारी शरीफ, क्या बोला मैंने, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह अल्लाह सरकार के विशाल के बाद वलीद के दौर में मेरे रसूल अकरम के मजारे पुरनवार की दीवार गिर गई। सरकार के मजार की, ए सरकार के मजार की दीवार गिर गई, सरकार के मजार की दीवार गिर गई। वलीद ने ऑर्डर दिया गहरी दीवार बुनियादें खोदो और अच्छा सा मजार बनाओ। तबईन का दौर है, अल्लाह अल्लाह वलीद के कहने पर उस जगह से खुदाई शुरू कर दी गई। अचानक खुदाई करते करते एक पांव बाहर नजर आने लग गया, एक इंसानी पांव बाहर निकला कबर से बाहर। तो हर तरफ ये शोर मच गया कि रसूलुल्लाह का कदम है, रसूलुल्लाह का कदम है, रसूलुल्लाह का कदम है। हजरत उरवा बिन जुबैर आप आए, आपने जब देखा, लोकेशन देखी, सारे मामलात देखे, अपने अब्बा से सब कुछ तो पूछा हुआ था, सैयदा आयशा से तो सब कुछ पूछा हुआ था, आपने देख के फरमाया ये रसूलुल्लाह का कदम नहीं है, बल हाजा कदमो हाजी ही कदमो उमर इब्न अल खत्ताब, ये रसूलुल्लाह का पैर नहीं है, ये उमर फारूक का पैर है। कितने अरसे बाद निकला, 100 साल के बाद निकला, 100 साल के बाद निकला। अभी समझ नहीं आई तुझे, कितने अरसे के बाद निकला, 100 साल के बाद। बिल्कुल सहाबा कहते हैं जब हमारा हाथ लगा जैसे जिंदों का पांव होता है, जैसे जिंदों का पांव होता है, तब इन कहते हैं ऐसे लगा जैसे जिंदों का पांव होता है। मैंने पूछा अबे बेअदब टोला इतना बताओ, ये तो सदी के करीब वक्त गुजर गया, विशाल के बाद उनका मजार बनने के बाद ये जो आज पांव जाहिर हुआ ये किसका हुआ। बुखारी कहती है हजरत उमर का हुआ, बुखारी कोई और किताब नहीं, बुखारी ये वही बुखारी है जिसे तू सुबह भी पढ़ता है, जिसे तू शाम भी पढ़ता है, ये वही बुखारी है जिसे पढ़ के तुझे बुखार आ जाता है, प्यार नहीं आता। बुखारी ये वही बुखारी कह रही है कि पांव जाहिर हुआ किसका, जनाबे हजरत सैयदना फारूक आजम का। 100 साल के करीब वक्त गुजर गया, 100 साल के, यार जल्दी से, 100 साल के करीब वक्त गुजर गया लेकिन पांव सलामत है। ओ बाबा जरा समझो, पहली बात तो ये कि मजार की दीवार गिरी, इसका मतलब है कि मजार 12वीं-13वीं सदी वालों ने नहीं बनाए, पहली सदी वालों ने बनाए थे। और फिर अगली बार कदम मुबारक जाहिर हुआ उसे कुछ भी नहीं हुआ था। ओ यार अगर नबी के गुलाम के कदम को जमीन कुछ नहीं कह सकती तो मेरे रसूल के जिस्म को जमीन क्या कुछ कह सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जमीन ही मेरी जमन में नहीं होता, जमी मेरी नहीं होती, मोहम्मद के गुंगा पार्टी भी बैठी हुई है। मोहम्मद के गुलामों का कफन मेरा, मोहम्मद के गुलामों का
Bolomo.